टेक। आज की इस वीडियो में हम नाइन्थ क्लास इंग्लिश बिहाइव बुक से पोयम नंबर 3, जिसका टाइटल है रेन ऑन द रूफ, जिसको कोटेज किन्ने ने कंपोज किया है, इसकी स्टेंजा वाइज हिंदी एक्सप्लेनेशन की स्टडी करते हैं। स्टूडेंट्स, आपसे बार बार यही कहना है कि आप वीडियो को अच्छी तरह से माइंड करने के लिए वीडियो को बार बार देखें। अगर चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आने वाली हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे, और वीडियो को लाइक अवश्य कीजिए। स्टूडेंट्स, इस पोएम में 3 स्टैंजास हैं। एवरी स्टैंजास हैज़ 8 लाइन्स। सो लेट्स अस अब हम इसकी स्टैंजा वाइज शॉर्ट में एक्सप्लेनेशन की स्टडी करते हैं। फर्स्ट स्टैंजा इज दैट व्हेन द ह्यूमिड शैडो होवर। व्हेन मीन्स जब, ह्यूमिड नमी वाले, शैडो परछाई अर्थात बादल, होवर एक स्थान पर मंडराते हैं, ओवर ऑल द स्टारी स्पेयर, ओवर ऊपर, ऑल सभी स्टारी तारे, स्पेयर गोल घेरे में, सभी तारे गोल घेरे में, एंड द मेलिनकली डार्कनेस, एंड और मेलिनकली दुखी, डार्कनेस अंधेरा, जेंटली वीप्स इन रेनी टीयर, जेंटली साधारण कोमल, वीप रोते हुए, रेनी बारिश के रूप में, टीयर आंसू, अपने आंसुओं को बहा देते हैं, उस समय दुखी होकर ये आकाश अपने आंसुओं को बारिश के रूप में बहाते हैं। व्हाट ए ब्लीस टू प्रेस द पिलो। ब्लीस वरदान, पिलो तकिया, यह जो है एक तकिए को प्रेस करने वाला, प्रेस जो सलवटे खोलते हैं, खोलने वाले वरदान की तरह है। ऑफ ए कोटेज चैम्बर बेड, कोटेज चैम्बर बेड, इसका मीन्स होता है कुटिया में शयन कक्ष। यह एक पोएट के शयन कक्ष में तकिए को भिगोने जैसा है। एंड लाई लिसनिंग टू द पैटर, लाई होता है झूठ, लिसनिंग सुनना है, पैटर मुखिया, यह मुखिया के बोले गए झूठ को सुनने जैसा है। ऑफ द सॉफ्ट रेन ओवर हेड, सॉफ्ट रेन ये कोमल सी बूंद बारिश, ओवर हेड सर के ऊपर अर्थात छत पर पड़ती हुई सुनाई देती है। कवि कहता है कि जब नमी युक्त बादल तारों के गोले के चारों ओर मंडराते हैं तो ऐसा लगता है जैसे अंधकार में आकाश दुखी होकर आंसुओं की बारिश के रूप में वर्षा कर रहा है। कवि को ये तकिए को प्रेस करने वाला वरदान या शयन कक्ष में मुखिया द्वारा बोला गया झूठ को सुनने जैसा प्रतीत होता है, जो छत पर गिरने वाली वर्षा की बूंदों में सुनाई देता है। एवरी टिंकल ऑन द सीलिंग्स, एवरी प्रत्येक, टिंकल एक आवाज़ जो किसी भी दो वस्तुओं में टकराने से होती है। सीलिंग्स, सीलिंग्स होता है छत पर लगी लकड़ी की तख्तियाँ या पट्टियाँ। हर छत पर लगी जो पट्टी है लकड़ी की, उससे जो आवाज़ निकलती है, हैज़ एन इको इन द हर्ट। इको होता है दर्द, हर्ट मन में, उससे मेरे मन में एक दर्द, या इको यहाँ पे दूसरा अर्थ प्रतिध्वनि से है, कि मेरे मन में एक प्रतिध्वनि उत्पन्न होती है। एंड ए थाउजेंड ड्रीमी फैंसीज इन टू बिजी बींग स्टार्ट, एंड और थाउजेंड हजारों ड्रीमी फैंसीज सपने में भरी, फैंसीज कल्पनाएं, इन टू बिजी अब बिजी हो जाती हैं, बीन स्टार्ट अर्थात मन में उठने लगती हैं। और तभी क्या होता है कि इन
ध्वनि को सुनकर जो छत पर बूंदों से आती है, जो लकड़ी के तख्ते या पट्टियों पर गिरने से बूंदों की आवाज़ आती है, उस ध्वनि को सुनकर मेरे मन में सैकड़ों कल्पनाएं उठने लगती हैं एंड ए थाउजेंड रिकलेक्शंस और थाउजेंड हजारों रिकलेक्शन जो पुरानी यादें हैं वे ताज़ा हो जाती हैं। वेव देयर एयर थ्रेड इंटू वूफ, वेव जो बुनी हुई हैं एयर थ्रेड, थ्रेड मीन्स धागों में, इंटू वूफ, वूफ होता है जो छप्पर को बांधने के लिए पोल होते हैं, पोल बांधे जाते हैं, कि जो पोल पर खम्भों पर जो धागे बंधे हैं छप्पर को रोकने के लिए, छत को रोकने के लिए, उनकी तरह जो मेरी यादें बुनी हुई थी, गुथी हुई थी, वे सब निकलने लगती हैं। एज आई लिसन टू द पैटर, पैटर होता है मुखिया, ऐसे लगता है जैसे मुझे मेरे मुखिया की आवाज़ सुनाई दे रही है। मुखिया मतलब यहाँ पर माता से है, राइटर की माता, सॉरी पोएट की माता। ऑफ द रेन अपॉन द रूफ, रेन बारिश, अपॉन द रूफ, रूफ होती है छत, जो छत के ऊपर बारिश पड़ती है, उन्हीं बूंदों से मुझे मेरी माता की आवाज़ सुनाई देने लगती है। कवि कहता है छत पर बनी लकड़ी की तख्ती पर गिरने से जो वर्षा के गिरने से आवाज़ आती है, उससे मेरे मन में एक प्रतिध्वनि उत्पन्न होती है और एक हजार सपनों की कल्पनाओं में मेरे मन में उठने लगते हैं और हजारों यादें पुनः तरोताज़ा हो जाती हैं, जो छप्पर पर बंधे धागों की ऐसे उलझी हुई प्रतीत होती हैं, वे इसी तरह मेरे मन में लिपटी थी। इन बूंदों से मुझे ऐसा लगता है कि मानो मैं अपनी माँ की आवाज़ को सुन रहा हूँ। नाउ इन मेमोरी कम्स माई मदर, नाउ अब मेमोरी यादों में कम्स आती है माई मदर, मेरी माता, अब यादों में मेरी माता आ जाती हैं। एज शी यूज्ड इन ईयर्स एगोन, यूज़ क्या करती थी, ईयर्स एगोन वर्षों पहले, जैसे वह वर्षों पहले क्या करती थी, उनकी एक्टिविटी थी, वे सब याद आ जाते हैं। टू रिगर्ड द डार्लिंग ड्रीमर्स, रिगर्ड मैं उनको सम्मान देता हूँ, डार्लिंग प्रिय, ड्रीमर्स सपनों को, मैं अपने उन प्रिय सपनों को सम्मान देता हूँ। और शी लेफ्ट देम टिल द डॉन, और पहले शी लेफ्ट जब माता जीवित थी, टिल द डॉन, डॉन माने होता है भोर का समय, कि जैसे माता भोर के समय सूर्योदय के समय वर्क करती थी, मैं उन्हें सम्मान देता था, मैं उन्हीं यादों में उन्हें सम्मान देने पहुंच जाता हूँ। ओ आई फील हर फॉन्ड लुक ऑन मी, ओ अरे मुझे फील होता है, अनुभव होता है फॉन्ड लुक ऑन, लुक ऑन मतलब देखना, मी मुझे, कि जैसे मेरी माँ मुझे देख रही हो। एज आई लिस्ट ऑफ दिस रिफ्रेन, ऐसा लगता है आई मैं मीन्स मैं लिस्ट सुन रहा हूँ, यहाँ लिस्ट का मतलब सुनने से है, दिस रिफ्रेन, रिफ्रेन इस बात को रोक कर, कि सब रिफ्रेन रोकना, कि सब चीज़ को रोक कर मैं अपनी माँ की बात सुन रहा हूँ, मुझे ऐसा फील होता है। विच इज प्लेड अपॉन द सीलिंग्स, जबकि प्लेड अपॉन, प्लेड यहाँ खेलना, अपॉन ऊपर, सीलिंग छत पर, छत की तख्तियों पर, लकड़ी से बनी छत पर, बाई द पैटर ऑफ द रेन, जबकि बारिश, रेन होता है बारिश और पैटर मुखिया, कि जबकि छत पर बारिश की बूंदे मुझे मेरे पैटर अर्थात मुखिया, घर की मुखिया माता की याद दिलाती हैं। कवि कहता है कि मेरी यादों में मेरी माँ आ जाती है, जैसे जब वह जीवित थी मैं उनका सम्मान करता था, वह सूर्योदय से पहले अपने सारे वर्क किया करती थी, यही सब कल्पनाएं मुझे दिखाई देने लगती है। अरे मुझे अनुभव होता है मानो मेरी माँ मेरी ओर देख रही है और जैसे मैं रुक कर उन्हें सुन रहा हूँ, जो मुझे लकड़ी की बनी छत पर वर्षा के गिरने से उत्पन्न हुए संगीत में सुनाई देती है। सो स्टूडेंट्स,
आई होप दैट यू वुड अंडरस्टैंड इट वेरी वेल। आप इस वीडियो को बार बार देखें क्योंकि न्यू सिलेबस है और बहुत ही इम्पोर्टेंट पोएम है। इसी के साथ थैंकिंग फॉर वॉच इट।